नमस्कार भाई लोग, तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज हम बेसिकली आपको बताने वाले हैं कि अपने मतलब उबंटू डेस्कटॉप में आप कैसे जो है विंडोज़ का जो है सो सॉफ्टवेयर जो है सो चला सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए बेसिकली आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो जिसका नाम है वाइन। हो सकता है आप जानते होंगे पहले से, या हो सकता है नहीं भी जानते होंगे, कोई बात नहीं। तो हम स्क्रैच से एकदम शुरू करेंगे, आपको एक सेम टू सेम प्रोसीजर बताएंगे, मतलब कहने का मतलब एकदम लिजिट प्रोसीजर बताएंगे, एकदम ऑफिशियल प्रोसीजर बताएंगे आपको वाइन कैसे इंस्टॉल करना है। आप वाइन सॉफ्टवेयर सेंटर में भी जाकर सर्च मार सकते हैं, जैसे कि ये रहा, यहाँ पे अगर वाइन सर्च मारिएगा तो आ जाएगा, लेकिन बेसिकली वो जो है वो वर्किंग नहीं होता है, वो हर एक वो पुराना, बहुत पुराना होता है, मतलब वाइन का वो वाला पैकेज, समझे। वो रिपोजिटरी में जो होता है, जैसे कि अभी सॉफ्टवेयर सेंटर में होगा, वो बहुत ही पुराना होता है, तो इसलिए जो पता नहीं क्यों नहीं खुल रहा है। तो इसीलिए जो है सो हम चाहते हैं कि सीधे ऑफिशियल वाला जो है सो उसका मतलब इंस्टॉल करें। ये देखिए आ गया ना वाइन और वाइन डेवलपमेंट वर्जन। तो ये वाला अगर आप इंस्टॉल करने का कोशिश कीजिएगा तो ये पुराना वर्जन है, इसलिए हम अब जो है सो कभी भी जो है इतना एक्सपीरियंस हो गया लिनक्स चलाते हुए, उबंटू चलाते हुए, तो एक बार तो सीख गए हैं कि मतलब ज़्यादातर चीज़ को जो है सो सॉफ्टवेयर सेंटर से ना डाउनलोड करने का कोशिश करें, उसको जो है सो उसके ऑफिशियल साइट से ही डाउनलोड करने की कोशिश करें। तो चलिए हम भी शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि ट्यूटोरियल हो सकता है लंबा हो जाए, तो गूगल पे सर्च मारिए वाइन, उसके बाद सर्च मारिएगा, उसके बाद लिखिएगा उबंटू। सीधे अगर वाइन टाइप कीजिएगा तो वो शराब वाला आ जाता है, समझ रहे ना बात मेरा। उसके बाद सबसे ऊपर में आया है wineHQ.org और / उबंटू, तो आप कोई भी खोल लीजिए ऊपर का दो लिंक में से कोई भी। ऊपर वाला विकी है और नीचे वाला वाइन का और ऑफिशियल साइट है, तो हम नीचे वाला खोलेंगे wineHQ.org। तो ये देखिए खुल गया, बेसिकली आपको भी यही खोलना है। उसके बाद राइट साइड में यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर देना है। बेसिकली आपको डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद ये खुल जाएगा, खुल ले दीजिए, खुल गया। उसके बाद बेसिकली आपको यहाँ पे क्या करना है, क्या है यार, हाँ ऑप्शन देगा कि आपको वाइन एंड्रॉयड के लिए चाहिए, उबंटू के लिए चाहिए, डेबियन के लिए चाहिए, फिडोरा के लिए चाहिए, मैक ओएस के लिए चाहिए, ओके। तो आपको यहाँ पे जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको मतलब सेलेक्ट करना है। मेरा यहाँ उबंटू है तो हम उबंटू सेलेक्ट करेंगे, चूँकि हम उबंटू के लिए बना रहे हैं, उबंटू पता नहीं क्या बोलते हैं, जो भी हो। तो उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीजर दिया गया है, ये प्रोसीजर जो है सो हम इसलिए आपको ऑफिशियली बता रहे हैं, मतलब एकदम पूरे स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं स्क्रैच से। हो सकता है ये प्रोसीजर जो है सो फ्यूचर में चेंज हो जाए, तो इसी को जो है सो मतलब फ्यूचर में मतलब चेंज हो सकता है, तो इसीलिए हम इसको स्क्रैच से बता रहे हैं। आप सीधे ऑफिशियल वेबसाइट से जो है सो मतलब इसको डाउनलोड कीजिएगा। तो उसके बाद आपको टर्मिनल ओपन करना है, बेसिकली ये वाला मतलब यहाँ पे प्रोसीजर दिया हुआ है इंस्टॉलिंग wineHQ पैकेज, उसके साथ टर्मिनल ओपन करना है। उसके बाद आपको जो sudo debian पैकेज एड आर्किटेक्चर i386 जो है इसको बेसिकली आपको कॉपी कर लेना है। ये बेसिकली करता ये है कि आप में जो है सो आपके सिस्टम में 32 बिट जो है आर्किटेक्चर होगा, अगर आपका 64 बिट है तो उसको इनेबल कर देगा, ओके। तो बेसिकली वो इनेबल हो गया। सेकेंड चीज़ है कि रिपोजिटरी डाउनलोड करना है, तो उसके लिए सेकेंड कमांड क्या कहते हैं रन करना है, wget nc जो भी है इसको कॉपी कर लेंगे। आपको भी इस वेबसाइट पे ही जाना है, इससे आपको जो है सो डायरेक्ट जो है सो किसी कोई भी टाइपिंग करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, कॉपी पेस्ट। तो देख सकते हैं बेसिकली हो रहा है, हो गया। अब थर्ड कमांड रन करना है, sudo apt-get wineHQ की, ठीक है। देख लीजिए हम कौन कौन सा कमांड रन कर रहे हैं, वही रन करते जाना है आपको, ओके हो गया। अब रिपोजिटरी ऐड करने का बारी आया, ठीक है। तो आप यहाँ पे उबंटू का वर्जन देख लीजिए कौन सा है आपके पास, उबंटू 19.4 है, उबंटू 19.10 है, उबंटू 18.4 या लिनक्स में 19.ax है, या लिनक्स उबंटू 16.4 और लाइन लिनक्स मिंट 18.x है, तो इसमें से कौन सा है। तो आपको जो भी है उसके सामने वाला आपको कॉपी करना है, जैसे मेरा उबंटू 18.10 है तो हम ये वाला कॉपी करेंगे, और इसको जो है बेसिकली कॉपी करके पूरा का पूरा कॉपी करके पेस्ट कर देंगे अपने टर्मिनल में।
देखिए हो रहा है, इसको होने देते हैं। ये बेसिकली ये कमांड रिपोजिटरी ऐड करता है, चूंकि हर एक मतलब क्या कहते हैं, हर एक रिपोजिटरी, हर एक उबंटू के वर्जन का जो है सो वाइन जो है सो हर एक अलग अलग रिपोजिटरी में है। जैसे कि उबंटू 18.10 का जो है सो जिस रिपोजिटरी में है वो है, किस रिपोजिटरी में है, डिस्को मैन, पता नहीं क्यों, लेकिन सभी का अलग अलग रिपोजिटरी है, तो मतलब पता नहीं क्यों सबका अलग अलग रिपोजिटरी बना के रखा है, समझ में नहीं आया है, लेकिन जो भी हो बना के रखा है तो रखा है। हुआ क्या, नहीं अभी तक इंस्टॉल ही हो रहा है, होने दीजिए होने दीजिए, होते रहेगा। तब तक हम वीडियो पॉज कर लेते हैं, हो सकता है लंबा हो जाए, इसलिए जब मिलते हैं आपसे जब ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अब वो प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है रिपोजिटरी ऐड करने का, उसके बाद आपको जो है सो पैकेज को बेसिकली पूरे सिस्टम को अपडेट करना है, तो इसके लिए कमांड है sudo apt update, यहाँ पे जो है ये वाला जो कमांड है, ये वाला कमांड, इसको रन करना है बेसिकली कॉपी करके। तो चलिए हम इसको भी रन कर देते हैं, हो रहा है, होने दीजिए, हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है सो इंस्टॉल करना है वाइन। अब मेन बारी आ गया, तो यहाँ पे तीन ब्रांच है, ठीक है, स्टेबल है, डेवलपमेंट है, स्टेजिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप डेवलपमेंट वर्जन, कहने का मतलब क्या है, जैसे कि आप सुनते होंगे कि ये बीटा वर्जन है, तो बीटा को ही डेवलपमेंट वर्जन बोल सकते हैं, कि जो अभी जो है सो टेस्टिंग में चल रहा है, ठीक है, अभी पूरी तरीके से कहने का मतलब जो है सो उस पर टेस्ट नहीं हुआ कम्प्लीटली, वो उसमें हो सकता है बग्स हो या हो सकता है बग्स ना हो, तो कम्प्लीटली डेवलपमेंट है, अभी उसका डेवलपमेंट चल ही रहा है, ठीक है। वो अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डेवलपमेंट ब्रांच डाउनलोड कीजिए, अगर आप स्टेजिंग ब्रांच डाउनलोड करना चाहते हैं, कहने का मतलब एकदम तुरंत तुरंत जो है सो मतलब अपडेट कोई कुछ चेंज करता है तो डायरेक्ट रिपोजिटरी में डालता है, तो वही स्टेजिंग ब्रांच हो गया। हम रिकमेंड करेंगे कि आप स्टेबल पे जाएं, स्टेबल जो है सो कम्प्लीटली डेवलपमेंट क्या कहते हैं बग फ्री होता है जनरली, तो स्टेबल ब्रांच हम यहाँ स्टेबल वाला करेंगे। तो स्टेबल वाला का जो है sudo apt install install recommends wine stable है, ये जो भी है उसको कॉपी कर लीजिए, ये थोड़ा टाइम लगेगा इंस्टॉल करने में, एंटर मारिए। देखिए पूछा 849 MB ऑफ एडिशनल डिस्क स्पेस विल बी यूज्ड, ठीक है, बाप रे 849 MB, हम नहीं करेंगे 849 MB का, एक मिनट रुक जाए, तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी विंडोज़ इंस्टॉल है, तो हम वाइन का है इंस्टॉल करें, बात ये हो जाता है ना, समझ गए बात। तो बेसिकली यहाँ से करना ये है कि मतलब आपको यहाँ पे यस वाई लिख के एंटर मार देना है, उसके बाद आपका वाइन इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 849 MB बहुत ज़्यादा ले रहा है, 849 MB अभी हम डाउनलोड करेंगे तो बाप सुबह से शाम हो जाएगा, वैसे उतना टाइम तो नहीं लगेगा, लेकिन बात यह है कि मतलब जो भी हो मेरा पर्सनल मैटर है, खैर। तो हम बता रहे हैं कि आपको यहाँ वाई टाइप करना है और बेसिकल एंटर मार देना है, वाइन इंस्टॉल हो जाएगा। तो उसके बाद आप कोई भी exe फाइल अगर आप कहीं से लाइएगा, उसको सिंपली क्लिक कीजिएगा, तो वो जो है सो इंस्टॉल ले लेगा, ठीक है, वाइन अपने आप रन कर जाएगा, उसके बाद इंस्टॉल पर क्लिक कीजिएगा, इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। तो इसी से जो है सो आपका वाइन इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद आप कोई भी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन मोस्टली आप जो है मतलब सॉफ्टवेयर रन कर पाएंगे उबंटू पे वाइन की मदद से। तो ये एक ट्यूटोरियल था, हम पूरा नहीं बता रहे हैं क्योंकि हमको इंस्टॉल करना नहीं चाहते हैं, मेरे पास ऑलरेडी मेरा जो लैपटॉप है वो ड्यूअल बूट में है, मतलब एक विंडोज़ भी हम साथ में रन करते हैं और साथ में लिनक्स भी, तो इसलिए हम नहीं रन करेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको करना है, तो अगर आप सिर्फ लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो मतलब आप कर सकते हैं, 800 कुछ MB का लगेगा और उसके बाद हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, ट्यूटोरियल पता है अधूरा है, लेकिन फिर भी उसके बाद सिंपल तो है, ये लास्ट कमांड रन करना है और उसके बाद इंस्टॉल हो गया, उसके बाद कोई भी exe फाइल लीजिए, उसको इंस्टॉल कर लीजिए, आराम से हो जाएगा, कोई झंझट नहीं है, ठीक है। तो यहीं तक हम रहने देते हैं, और अगर आप इस आपको अगर आप अगर ये डेस्कटॉप देख रहे हैं लेआउट कि एकदम iOS की तरह कैसे है मेरा, मतलब एकदम बूट करते समय भी मेरा iOS की तरह दिखता है ये,
iOS का, iOS कहा जाता है यार, मैक का एनिमेशन आता है और मैक के तरह दिख रहा है ये बेसिकली। तो अगर आपको जानना है कि मैंने ऐसा कैसे कस्टमाइज़ किया है इसको अपने उबंटू सिस्टम को, तो बेसिकली आप मेरे चैनल पे ट्यूटोरियल देख सकते हैं, जाके होगा हाउ टू चेंज मतलब मैक ओएस टू सॉरी उबंटू टू मैक ओएस। अगर आप यूट्यूब पे सर्च मारिएगा तो बहुत सारे आएंगे, लेकिन इंग्लिश में आएंगे ज़्यादातर, समझ गए, या फिर बिना लैंग्वेज का। तो बेहतर होगा यही कि आप मेरे ही चैनल पे जाकर देखेंगे, आपको हिंदी में एक टू ए मतलब एक एक प्रोसीजर जो है सो पूरा का पूरा बताए हैं कैसे क्या करना है, एकदम सिंपल तरीके से समझाए हैं। दूसरे यूट्यूब चैनल वालों से ज़्यादा नहीं है, उन लोग जो मतलब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं वो लोग, समझे, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, तो उसको कॉम्प्लेक्स को हम आसान करके समझाए हैं जितना हो सकता था। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पीस।